हे गाइस, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में। मेरा नाम है अभिषेक साहू और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, दैट मीन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। बात को ध्यान सुनना कि एक एक कॉन्सेप्ट जो आज के स्टूडियो में पढ़ाया जाएगा आपको समझ में आएगा, एक एक बात जो अंत तक मैं कहूँगा 12th फिजिक्स के वो आपको समझ में आएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, है ना, बिल्कुल टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं। जब क्लास में आया करो, टेंशन फ्री होकर आया करो, बोला जो कुछ भी बताया जाएगा ना सब कुछ समझ में आने ही वाला है, तो डरने की क्या बात है, समझ रहे हो ना। तो डरना नहीं है अपन को, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि अगर मैं कहता हूं ना कि वादा करता हूं सारी बातें समझा दूंगा आपको, तो उसके लिए आपको छोटी सी कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा कि जितनी क्लासेस मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूं सभी क्लासेस को आप रेगुलरली अटेंड करोगे, तभी तो होगा ना कि जो मैंने पुराना पढ़ाया उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं नया पढ़ाऊंगा तो आपको नया समझ में आएगा। तो यदि आप मेरी क्लासेस को रेगुलरली देख रहे हो, यदि आप मेरी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर रहे हो, तो फिर मैं आपसे वादा करता हूं कि एक भी कॉन्सेप्ट आपका 12th फिजिक्स का नहीं छोड़ने दूंगा, आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल सब कुछ फिट कर दूंगा। दूसरी बात, यदि बाय चांस आपके दिमाग के अंदर कुछ बातें नहीं पहुंच पाती हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है, आप उस ग्रुप पर जाएंगे और जो है ना, और अपना अपनी जो है ना जो भी प्रॉब्लम है आप उसको बताओगे। अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा, है ना। यदि आपकी प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है कि नहीं आपको जो है ना इस वीडियो से ही समाधान मिलेगा, तो आपके लिए वीडियो बनेगी। तो टेंशन वाली बात नहीं है, डरना नहीं है जरा भी, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, कमेंट करो और क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करो। बात समझ पा रहे हो ना। चलिए, इस वीडियो के लिए जरूरी क्या है कि यदि आपने पुरानी क्लासेस देखी हो तो वो अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं भी देखी ना, पहली बार आए हो चैनल के ऊपर, तो क्या करना है अपन को, सब्सक्राइब नहीं, पहली बार आए हो ना तो कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट आपको बता होना चाहिए, फिर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये स्टार्टिंग की बात मैं बहुत फास्ट बोलता हूं क्योंकि आपका जो है ना टाइम ज्यादा से ज्यादा वेस्ट ना हो पाए, समझ पा रहे हो आपको। चलिए, तो इससे पहले जो है ना हमने पढ़ा हुआ था कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम लॉ में क्या बताता है, कूलम लॉ में ये बताता है ना कि यदि मान लो आपका दो फोर्स, दो चार्जेस हैं, तो उन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, के, दैट मीन 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2, इतना लगता है, लगता है ना। तो देखो, इसके बाद यदि मुझे ये क्या है, बोला मैग्नीट्यूड, यदि मुझे किसी भी मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन प्रोवाइड करानी होती है तो मैं उसके पास क्या कर देता हूं, यूनिट वेक्टर का इंटू कर देता हूं, क्या कर देता हूं, यूनिट वेक्टर का इंटू। तो ये किस फॉर्म में आ गया, तो ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। ये बात अपन समझते हैं कि इतना फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में, ठीक है। लेट से हमारे पास ये एक सिस्टम है, ठीक है ना। इस सिस्टम में काफी सारे चार्जेस हैं, इस चार्ज को हमने नाम दे दिया कि लेट से ये है अपना क्यू नॉट, ठीक है। यहां पर एक चार्ज है जिसका नाम है Q1, यहां पर एक चार्ज जिसका नाम है Q2, यहां पर एक चार्ज जिसका नाम है Q3, Q4, Qn और देयर आर एन नंबर ऑफ चार्जेस। हमने क्या बोला कि यहां पर काफी सारे चार्जेस, इसको हमने Qn से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। देखो, ध्यान सुनना, लेट से यदि ये Q1 और ये Q0 के बीच में कोई फोर्स लगता है, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि पहले बताओ कि फोर्स किसने लगाया, तो हमने ऐसा बोला कि Q1 ने Q0 पे फोर्स लगाया, तो ये फोर्स कितना लगाएगा, F फोर्स ऑन 0/1, क्या बोलोगे, फोर्स ऑन 0/1 F01 वेक्टर, ठीक है। बात को सुनना ध्यान से, लेट से Q1 ने Q0 के ऊपर फोर्स लगाया 100 न्यूटन, कितना लगाया 100 न्यूटन, ठीक है, अभी 100 न्यूटन लगा रहा है। अब Q2 आ गया, Q2 इस Q0 के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, लेट से उसने लगा दिया 50 न्यूटन, ठीक है। तो बात को सुनना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है, सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि Q1 के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स Q0 के ऊपर, क्या Q1 ने Q0 पे कितना फोर्स लगाया, इसको मतलब नहीं है कि Q2 कितना लगा रहा है, Qn कितना लगा रहा है, Q3 कितना लगा रहा है। तो Q1 के द्वारा लगाए जाने वाला इंडिविजुअल फोर्स अनअफेक्टेड रहता है बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्जेस नियर इट। बात समझ पा रहे हो, क्या बोला कि Q1 ने जितना फोर्स Q0 पे लगाया उसको Q1 को कोई मतलब नहीं है कि पास में कोई है या नहीं। तो Q1 और Q0 के बीच में यदि फोर्स लगता है 100 न्यूटन, तो कोई और भी आ जाए इसके पास में, कोई बहुत सारे चार्जेस भी आ जाए, तब भी इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो 100 न्यूटन ही लगेगा। Q1 इस Q0 के ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स ही लगाएगा, समझ रहे हो। तो देखो, Q2 ने अपना फोर्स लगाया 50 न्यूटन के ऊपर, Q3 अगर मान लो यहां पे, तो Q3 ने अपना फोर्स लगाया इसके ऊपर, ठीक है ना। लेट से कितना हो गया, लेट से 25 न्यूटन हो गया, समझ रहे हो बात को। तो इन सब ने अपना अपना फोर्स लगाया, तो इसका मतलब है कि इंडिविजुअल फोर्स तो अनअफेक्टेड रहेगा। Q1 100 न्यूटन का लगाता है, Q2 50 न्यूटन का लगाता है, Q3 25 न्यूटन का लगाता है, लेकिन लेकिन इस Q0 के ऊपर कितना फोर्स लगेगा,
इसकी जानकारी कौन देगा? तो इसकी जानकारी देगा हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कौन देगा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कहता है कि फोर्स ऑन ए चार्ज, क्या बोलोगे? फोर्स ऑन ए चार्ज, है ना, किसी चार्ज के ऊपर जो फोर्स है, लेट से फोर्स ऑन क्यू नॉट, जीरो के ऊपर फोर्स ऑन क्यू नॉट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज ड्यू टू ऑल चार्जेस, है ना। तो F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F0n वेक्टर, इस तरह से। बात को समझ पा रहे हो? समझ गए ना कि Q1 दैट मींस आप क्या बोलोगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज ड्यू टू एनी अदर चार्ज, फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज ड्यू टू एनी चार्ज रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी चार्ज नियर इट, है ना। किसी चार्ज ने कितना भी फोर्स लगाया वो अनअफेक्टेड रहेगा ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। लेकिन यहां पर कितना फोर्स लगेगा ये कौन डिसाइड करेगा, है ना, क्योंकि क्यू नॉट के ऊपर सारे लगा रहे हैं ना, तो कौन डिसाइड करेगा? तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनाया, ये इस जीरो पर टू ने लगाया तो F02 वेक्टर, जीरो पर थ्री लगाया तो F03 वेक्टर। तो क्या बोलोगे कि इस पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा, इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, हम इसके वेक्टर सम से बताते हैं, और ये बात कहती है हमसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन थ्योरम। बात क्लियर है? अब देखो डायग्राम अपन कैसा बनाएंगे, इसको सुनो ध्यान से, ठीक है ना। डायग्राम के लिए और डेरिवेशन के लिए अपन क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, यहां पर आपके सामने ये एक सिस्टम है, ठीक है, हमने बना दिया यहां पर एक Q1, ठीक है, ये Q1, ठीक है, एक बना दिया हमने Q2, ठीक है, और यहीं पे कहीं लगा देते हैं एक, लेट से मान लो ये हो गया अपना Qn, ठीक है ना, और ये रहा आपके सामने Q0, ठीक है, सुनो Q0, तो आपने इसको लिख दिया Q0, Q1 ने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया, क्या लिखोगे? फोर्स ऑन जीरो बाय वन वेक्टर। Q2 ने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया, ये लिखोगे क्या? फोर्स ऑन जीरो बाय टू वेक्टर, ठीक है। इसी तरह से Qn ने उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया, क्या लिखोगे? फोर्स ऑन जीरो बाय थ्री वेक्टर, एन वेक्टर, ठीक है ना, इस तरह से आप इसको लिखोगे। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, बात को ध्यान सुनना। अब देखो, अगर हम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि पहले ये बताओ कि क्यू नॉट यहाँ से कितनी दूरी पर है, तो दैट मीन्स हमें पोजिशन बतानी है। तो हमने क्या बोला? पोजिशन वैक्टर, क्या बोल दिया इसको? R1 वैक्टर, ठीक है ना। इसका पोजिशन वैक्टर क्या? इसकी पोजिशन बताओगे RN वैक्टर, इसकी पोजिशन बताओगे क्या बोलोगे? R2 वैक्टर, इसकी पोजिशन बताओगे क्या बोलोगे? R0 वेक्टर। तो ये पोजीशन बता दिया आपने, जिससे आपको पता पड़ जाएगा ना कि Q2 ने कहां से कहां फोर्स लगाया। तो देखो Q2 कहां है? Q2 है R2 के ऊपर। Q2 ने कहां फोर्स लगाया? R2 से लेके R0 तक। तो क्या बोल दोगे उनके बीच की डिस्टेंस? R20 कैप। इसी तरह से इसके बीच की डिस्टेंस RN0 कैप, या फिर आप ऐसे बोलो RN0 वेक्टर बोल दो, ठीक है ना, RN0 वेक्टर। चलिए ये बात क्लियर है, बात समझ गए ना। और R20 क्या है? R20 है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बात क्लियर हो रही है ना? चलिए देखो, तो हमसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? हमसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है फोर्स ऑन जीरो, दैट मींस फोर्स ऑन एनी चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेज, F02 वेक्टर, है ना, प्लस F0 डॉट डॉट चलता जाएगा F0n वेक्टर, ठीक है ना। चलिए समझो बात को, ठीक, F0 वेक्टर इज इक्वल टू F01, इसका मतलब क्या है कि Q0 इंटू Q1, जीरो और वन के बीच में लग रहा है ना, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो हम अभी क्या लिख रहे हैं, बोला मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को तो आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यदि आपने कहा R10, तो R10 का मैग्नीट्यूड लिखना है, चलो आप लिख दो R10 लिख दिया आपने, ठीक है ना, R10 का मैग्नीट्यूड लिखना है, चलो R10 लिख दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, R10, ठीक, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। लेकिन ऊपर वेक्टर लगा है तो डायरेक्शन दे दो, R10 कैप, किस डायरेक्शन में लग रहा है? R10 कैप, प्लस ये क्या हो जाएगा? F02 वेक्टर, तो क्या लिखोगे उसको? Q0, दैट Q0 का मतलब Q02, और ये आपका हो गया R20, ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन देने के लिए क्या बोलोगे? R20 कैप। इसी तरह से प्लस लगा के, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका? Q0 Qn अपॉन RN0 इंटू RN0 कैप, ठीक है ना, बात समझ गए। चलो कुछ नहीं करना अपन को, सारी बातें समझ में आ जाएंगी आपको, इज इक्वल टू K को बाहर निकालो, ठीक है ना, क्या चीजें कॉमन है उनको देखो, कॉमन चीजों को बाहर निकालो, ठीक है ना, ये कॉमन आ रहा है अपने, अच्छा है, स्क्वायर भी तो है यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर, स्क्वायर भी है, तो Q0
q1 अपॉन r01 का स्क्वायर। अच्छा कॉमन निकाल रहे थे अपन, तो कॉमन निकाल लो, सबके अंदर से अपन को क्या कॉमन दिख रहा है, मतलब k कॉमन नजर आ रहा है और q0 कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है। अंदर क्या बच रहा है, तो अंदर देख लो आप, अंदर बच रहा है q1 into r1 स्क्वायर, r10 स्क्वायर into r10 कैप, बात समझ पा रहे हो, ठीक है। प्लस q2 into r20 स्क्वायर, q2 अपन r20 स्क्वायर into r20 कैप, इसी तरह से ये चलता चला जाएगा। और ये आपका के qn अपॉन rn0 स्क्वायर into rn0 कैप, बात क्लियर है। चलो देखो यहां से अपन समेशन का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, है ना, देखो के क्यू नॉट बाहर है, चलिए ठीक है। अब ये चलता चला, बोलो q1 q2 q3 और ये q इन्फिनिटी तक, दैट मीन्स qn तक, तो हमने क्या किया, बोलो समेशन करते हैं सबका, सब करते हैं, सबको जोड़ दो, सबका समेशन कर दो। कैसे करेंगे, तो देखो इसके अंदर क्या लिखा है, बोला q रखा है ऊपर, नीचे क्या है r है, ठीक है ना, क्या लिखा है 10, क्या लिखा है 10, साइड में क्या है r है, कैप लगा है, देखना ध्यान से 1 2 3 4, देख q1 q2 q3 q4 q5 qn, तो इसका मतलब क्या है कि ये कहां से कहां तक जा रहा है 1 से, तो हमने क्या लिख दिया i, i की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये पूरा का पूरा n नंबर तक जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है। यहां पे देखो r10 r20 r30 r40, इसी तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं इससे r i0 लिख दो, क्या लिख दो i0, जिससे क्या होगा i की वैल्यू r10, फिर i की वैल्यू 20, r की वैल्यू 30 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पे r10, इसी तरह से आप इसको r i0 कैप पुट कर सकते हो, ठीक है ना। इसका अपन एक स्टेप और बढ़ाएंगे, यहां से के क्यू नॉट इंटू समेशन, यहां से पुट करोगे i = 1 से लेके i = n तक q i r i0 स्क्वायर इंटू, ये क्या है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो यूनिट वेक्टर है ना, तो r i0 वेक्टर अपॉन r i0 का कुछ नहीं, मतलब वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, ठीक है ना। तो चलो आपने ये लिख दिया, ये यूनिट वेक्टर को ओपन करने का तरीका है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, बोला आप इसको यहीं पे इंटू कर दो, तो एक स्टेप आपका बच जाएगा, इसका इंटू करोगे तो यहां पे आपका r i0 क्यूब आ जाएगा, क्यूब आ गया, ठीक है। तो यहां से आपका समझ में आ रहा है आपको, ये आपका क्या बचा r i0 वेक्टर। एक स्टेप और बढ़ जाएगा इसका, है ना, एक स्टेप कैसे बढ़ाएंगे इसको, यहां देख लो कि f0 वेक्टर इज इक्वल टू आपका k क्यू नॉट समेशन ऑफ i = 1 से लेके i = n तक, इसके बाद जो है क्या करोगे, लो देखो q i r i0 क्यूब इंटू, आप इसको क्या लिखोगे, देखो r i0 वेक्टर है ना, क्या है ये r i0 वेक्टर, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो आप इसको क्या लिखोगे r0 वेक्टर माइनस r i वेक्टर, क्या लिखोगे, बोला ऐसा क्यों, r i माइनस r0 नहीं कर सकते क्या, बोला नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, तो देखो r2 इनिशियल पॉइंट है, यहां से यहां तक फोर्स सकता है, तो ये इनिशियल ये फाइनल, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। तो ये जो डेरिवेशन हुआ आपका, ये डेरिवेशन हुआ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए, किसके लिए हुआ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए, ठीक है ना। इसके बाद कुछ जरूरी सी बातें जो आपको और समझ लेनी चाहिए, ठीक है ना, तो आप एक बार इसको नोट कर लो और उसके बाद जो है ना अपन इसको इरेज करते हैं, ठीक है, बात को समझो। अगर आपसे कुछ बेसिक सी चीज पूछी जाए कि भाई क्या चीज इसमें यूज होगी सुपरपोजिशन थ्योरम के जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कुछ छोटी छोटी सी बातें, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फोर्स है, जितने स्टूडेंट्स को आता है बहुत अच्छी बात, जितने को नहीं आता वो एक बार देख लो। जैसे मान लो अगर आपका कोई भी बॉडी है, अगर यहाँ पे फोर्स लग रहा है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, लेट्स से ये रहा 10 न्यूटन, ठीक है, और ये कर रहा 10 न्यूटन, बताओ कितना फोर्स हो जाएगा, क्या बोलोगे 20 न्यूटन। दैट मीन्स हम जानते हैं कि यदि फोर्सेस हमारे इन लाइन हो, एक ही लाइन के अंदर लग रहे हो सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में, तो क्या बोलोगे सारे फोर्सेस ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। यदि फोर्सेस ऑपोजिट लाइन में लग, दैट मींस एक ही लाइन में लग रहे हो बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होगा, लेट्स से ये लग रहा है 10 न्यूटन और ये लग रहा है 10 न्यूटन, तो क्या करते हो, ये फोर्स जीरो हो गया। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि एक फोर्स लग रहा है ऐसे, जिनको रिजोल्व करने में प्रॉब्लम होती है, देखो एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन ऐसे, ठीक है, एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन ऐसे, अब बताओ नेट फोर्स कैसे होगा, जानते हो ना सारी बात, हमने क्या कहा कि इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, एक चीज खींची जा रही है ऐसे, एक फोर्स लग रहा है और एक लग रहा है ऐसे 10 न्यूटन, तो बताओ कोई भी जो पॉइंट है वो कहाँ जाएगा, बोला सीधा जाएगा, तो ये क्या है इसका रिजल्टेंट,
क्या है इसका रिजल्टेंट। जैसे इसका रिजल्टेंट 10 और 10 मिलकर 20 हो गया, इसका रिजल्टेंट कितना होगा? तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपके पास वेक्टर का फॉर्मूला होता है ना, मतलब क्या होगा रिजल्टेंट का फॉर्मूला, लेट्स से फोर्स इज इक्वल टू, ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F2। कैसे निकाला? मतलब F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। आप यहां से निकाल सकते हो और दूसरा आप रिजॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो ये कितना हो जाएगा, बोला 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 F1 F2 का मतलब 10 इंटू 10 इंटू कॉस 60, थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री है ना, तो 1 बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया F इज इक्वल टू 300। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा F इज इक्वल टू 10 रूट 3, कितना आ गया 10 रूट 3। दैट मीन्स का मतलब जो रिजल्टेंट है वो कितना आएगा 10 रूट 3। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। बात को समझ पा रहे हो ना, बात को समझ पा रहे हो ना? अगर समझ में ना आए तो ग्रुप पे जाकर के मुझे जरूर बताना, कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपके लिए अलग से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट जरूर देखेंगे, ठीक है। अगर इस चीज को रिजोल्व करना है, हम इसको डायरेक्ट भी रिजोल्व कर सकते हैं। लेट्स से हमने कहा कि भाई ये कितना एंगल है, बोला 60 डिग्री, ये कितना फोर्स लग रहा है, बोला 10 न्यूटन, ये कितना लग रहा है, बोला 10 न्यूटन, ठीक है ना। अब देखो क्या करोगे, एक एक करके रिजोल्व करना चाहते हो, ये फॉर्मूला लगाना नहीं चाहते, तो क्या करोगे, आप जानते हो, बोला इनको जो है ना हमने दो पार्ट में देख लिया, कितना एंगल बन रहा है ये एक के साथ, क्या बोलोगे, बोला ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो हम देखो अब इस फोर्स को ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये फोर्स कहां मूवमेंट करा सकता है, या देखो ये पार्टिकल है कहां जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ऐसे बढ़ेगा, कैसे जाएगा, ये ऊपर और ऐसे। तो उसको हमने रिजोल्व किया दो पार्ट में, ये हो गया अपना 10, जिसके साथ एंगल वो cos 30 यानी cos थीटा, तो ये हो गया अपना cos 30, और ये क्या हो गया इस साइड 10 sin 30, ठीक है ना। इसको रिजोल्व करोगे इसी तरह से, इसका भी कॉम्पोनेंट एक ऊपर जाएगा, ये वाले का 10 cos 30, ठीक है ना, cos 30, और ये वाला इस साइड 10 sin 30। आप इस बात को समझते हो, ठीक है ना, 10 साइन 30 से 10 साइन 30 कट गया ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो 2 टाइम्स ऑफ 10 कॉस 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इसका डबल, ठीक है। तो 2 इंटू 10 कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है आपका रूट 3 बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 10 रूट 3। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि मान लो ये दो चार्जेस वगैरह रखे हैं, इस तरह से आपको रिजोल्व करना है, तो अब आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बात समझ गए, अब आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर है ना बात। चलो तो यहाँ पर ज़रूरी बात क्या, यहाँ पर ज़रूरी बात यह है कि अब ये बेसिक प्रिंसिपल अगर यूज़ होगा तो आपको सारी चीज़ें खुद से अच्छे से कर पानी है, ठीक है ना। अब उसको डायरेक्ट करते चलेंगे अपन, ठीक। चलिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस पूरे एनर्जी के साथ, है ना, न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, और बहुत आसानी से सारी बातों को समझ जाओगे, है ना। जो चीज आपको बहुत सिंपल लगे उसको तो अपन को ध्यान में ही नहीं देना, बात क्लियर हो रही है आपकी। चलिए देखो, तो मान लो कि यहां पर आपसे कहा जाए कि इस तरह से आपके पास एक स्क्वायर है ना, यहां पर चार्ज रखे हुए हैं प्लस क्यू, और यहां रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, ये रखा हुआ है अपना माइनस टू क्यू, और ये रखा है अपना माइनस टू क्यू, बात क्लियर है। चलिए इसके बाद यहां पर देखो, इसका जो सेंटर है, क्या है इसका सेंटर, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, हमने कहा कितना, मतलब इसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है क्यू, ठीक है। बात को समझना, आपसे पूछा जाएगा भाई इस क्यू के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो क्या बोलोगे, बोला जीरो, देख के समझ में आ रहा है ना, लेकिन यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझो ताकि आप सारी चीजें आसानी से कर पाओ, ठीक है ना। देखो सिंपल सी बात है, आप जानते हो, बोला ये माइनस टू क्यू, इसको ऐसा बोलो ये वन, ये टू, ये थर्ड चार्ज और ये फोर्थ चार्ज, ठीक है ना, पूरा डायग्राम को तरीके से बना के चलना है। ये क्यू, लेट्स से इस ये क्यू वन जो फर्स्ट वाला चार्ज है, इस पे कैसा फोर्स लगेगा, बोले इस डायरेक्शन में अपोज करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये इस फोर्स को क्या नाम दे दिया, एफ वन वेक्टर, ठीक है। ये देखो ये थर्ड वाला चार्ज है, इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, क्या बोलोगे इसको, एफ थ्री वेक्टर। ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा बताओ ना, क्या करेगा, देखो यहां पे ये एफ टू है, ये सेकंड वाला चार्ज, इसको खींचेगा अपनी साइड, क्या बोलोगे, F2 वेक्टर, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको ये अपनी साइड खींचेगा, क्या बोलोगे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, F4 वेक्टर। तो ध्यान से देखो, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि यदि वेक्टर्स इनलाइन हो, इनलाइन का मतलब थोड़ा ना सीधे, ये इस तरह से देखो, यहां पे देखना F3 वेक्टर, F3 वेक्टर और ये F1 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मींस अपोजिट डायरेक्शन में है नहीं, तो देखो आपको यहां पर क्या देखना है कि जब भी साइन सिलेक्ट करने की बारी आए, है ना, ये कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव लेना है, तो आप इन चार्जेस के नेचर को देख के आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लोगे, किसको देख के लोगे, यदि जो फोर्स है आपका
अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो नेगेटिव साइन लेना है, और अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो पॉजिटिव साइन लेना है। यानी कि जो साइन होगा फॉर्मूले के अंदर किसको देख के लोगे, बोला ये इनके फोर्सेस की डायरेक्शन को देख के लोगे, ठीक है ना। देखो अब आपको नेट फोर्स यदि निकालना है तो एक का निकाल के देख लेते हैं ताकि आपको स्टेप समझ में आ जाए, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, आंसर समझ रहा हूं मैं, आंसर आपका जीरो आ गया, लेकिन एक बार देखो कि किस तरह से जो है आप इसको नोट करोगे, ठीक है। लेट्स से आपने इन दोनों के बीच के फोर्स को नाम दिया F3 और F1 के फोर्स को कितना, 1। कैसे लिखोगे, मतलब एक को पॉजिटिव, लेट्स से ऊपर जो जा रहा है उसको पॉजिटिव ले लो, और एक को ले लो नेगेटिव, F1 वेक्टर है, ठीक है। चलो वेक्टर फॉर्म में लिख लो, या फिर आप एक काम करो कि इसके मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख लो इसको, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा तो डायरेक्शन में कोई फर्क ही नहीं है ना। देखो सिंपल सी बात है, आपने इसको मैग्नीट्यूड में लिख लिया तो F3 कहाँ जा रहा है, F3 देखो कहाँ जा रहा है, या फिर वेक्टर फॉर्म में भी लिखोगे तो बाद में लिख देंगे अलॉन्ग किस डायरेक्शन में, ठीक है। देखो F3 कहाँ जा रहा है, तो आपने बोला कि F3 जा रहा है हमारा कहाँ पर, ऊपर की साइड। चलो F3 को क्या लिखोगे, मतलब के क्यू इंटू क्यू अपॉन के क्यू इंटू क्यू, या फिर के क्यू इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस है आपकी a बाय रूट टू, क्योंकि हम समझते हैं कि जो स्क्वायर का जो डायगोनल है, डायगोनल की लेंथ कितनी, a रूट टू, तो डायगोनल का आधा कितना हो जाएगा, a बाय रूट टू इसका स्क्वायर माइनस, ऐसे यहाँ पे हुआ k q इंटू क्यू अपॉन a बाय रूट टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद कैंसिल करोगे तो इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो। अब जीरो फोर्स हो गया तो डायरेक्शन बताने की जरूरत भी नहीं है आपको, बात समझ में आ पा रही है आपके। चलिए देखो तो यहाँ पर इसी तरह से आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, ठीक है, नॉट अ बिग डील, है ना। अब देखो अपन दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उसमें देखना आप कि किस तरह से अपन चीज़ों को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलो देखो सिंपल सी बात है, मान लो आपको क्वेश्चन को जिस तरह से मिल जाए कि यहाँ पर आपके सामने चार चार्जेस मैंने रख दिए, ठीक है, एक चार्ज ये हो गया Q1, चलो Q1, Q2, Q3 और ये हो गया अपने पास Q4, ठीक है। इन चारों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 16 माइक्रो कूलम, 16 माइक्रो कूलम, 16 माइक्रो कूलम। ये सारे चार्जेस जो है ना पॉजिटिव है, कैसे हैं पॉजिटिव, ये भी 16 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब कहा आपसे कि इस Q4 के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, आप इसको कैलकुलेट करके दिखाओ, ठीक है। क्या करोगे, देखो सिंपल सी बात है, आप इसको देखो, ये Q3 इसको क्या करेगा, बोलो रिपेल करेगा, तो ये रहा आपका Q3 ने जो फोर्स लगा, आपने उसको नाम दे दिया F3 वेक्टर। ये Q1 इसको क्या करेगा, बोलो रिपेल करेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो उसका नाम क्या है, बोला ये हो गया आपका F1 वेक्टर, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से देखना, अच्छा देखो इसकी डिस्टेंस आपको यदि 0.2 मीटर, कितनी 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, ठीक है, देखो मीटर के अंदर है ये, ठीक। अब ये Q2 भी इस पर फोर्स लगाएगा, तो Q2 कैसे लगाएगा, Q2 लगाएगा इस तरह से, इस डायरेक्शन में लगाएगा ही लगाएगा, आपने इसको क्या नाम दिया, F2 वेक्टर। ध्यान से देखना सारी बातों को। अब देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि ये डायगोनल है तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या, ए रूट टू, ए रूट टू होगा या नहीं होगा, होगा ना। चलिए तो ये ए रूट टू हो गया, इसके बाद आपसे क्या करना है, बोला कि इस Q4 पे कितना फोर्स लगेगा। तो हमने क्या पढ़ा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई F4 के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये सबका वेक्टर सम हो जाएगा। तो F0 वेक्टर, सॉरी हाँ जी, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, निकल जाएगा। चलो देखो अब हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखना एक बार इस डायग्राम को, F1 वेक्टर लग रहा है इस डायरेक्शन में, F3 वेक्टर लग रहा है, ये हो गया F1, ये हो गया F3, इनके बीच में एंगल कितना बोला 90 डिग्री, 90 डिग्री है। अब देखो F1 जितना लगता है ना, F1 का मैग्नीट्यूड 16, F सॉरी F3 का मैग्नीट्यूड कितना 16, इसका सॉरी Q3 Q1 का मैग्नीट्यूड कितना 16, Q3 का मैग्नीट्यूड 16, ठीक है। इन दोनों की डिस्टेंस भी बराबर है इस Q4 से, तो जो फोर्स होगा वो बराबर लगेगा ही लगेगा। तो क्या बोलोगे, F1 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू, आपने क्या मान लिया इसको, F डैश, क्या बोल दो इसको, F डैश। इन दोनों का रिजल्टेंट क्योंकि बराबर है तो बीचों बीच से निकलेगा, यहां से 45 डिग्री पे, तो क्या बोलोगे, ये क्या हो गया आपका F डैश, ठीक है। अब जिस डायरेक्शन में F डैश है, यानी कि F1 और F3 का जो रिजल्टेंट है उसी डायरेक्शन में F2 है, ये रहा F2, तो क्या करोगे, फिर आपको समझ में आ रहा है कि F डैश निकाल लो F1 और F3 से, और उसके बाद F1 ये F डैश वेक्टर और F2 डैश वेक्टर, ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ये आपका इन लाइन है, तो ऐड कर दोगे आप सिंपल। अच्छा देखो हम क्या निकालने वाले हैं, यहां से एक काम करो मैग्नीट्यूड निकाल लो आप सिंपल से, है ना। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं अपन किसका, F1 और F3 का, क्या बोलोगे यहां पे, रिजल्टेंट ऑफ, रिजल्टेंट ऑफ किसका, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3, ठीक है ना,
F1 एंड F3 वेक्टर का रिजल्टेंट आप निकालोगे, ठीक है ना। अच्छा मैग्नीट्यूड निकाल लें, मैग्नीट्यूड ठीक है, चलिए क्योंकि अगर आप एक बार मैग्नीट्यूड लेना सीख जाओ तो डायरेक्शन आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्या निकालोगे आपने, इसको नाम दे दिया F-, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका वो फिर से F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F, अच्छा F1 स्क्वायर F3 स्क्वायर 2 F1 F3 और F1 F3 के बीच में कितना एंगल, मतलब cos 90 है या नहीं, cos 90 ठीक है। तो F- इज इक्वल टू F1 की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, F1 की वैल्यू कितनी बोला, ये F स्क्वायर क्योंकि F1 और F3 बराबर हैं और ये इसकी F स्क्वायर प्लस cos 90 की वैल्यू 0, तो कितना हो जाएगा F- स्क्वायर इज इक्वल टू F स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, रूट के अंदर है ना, F स्क्वायर बाहर आ जाएगा इससे, तो कितना हो जाएगा F- इज इक्वल टू, यहाँ से F बाहर आ गया, ये बचा रूट टू, ठीक है ना। थोड़ा फास्ट चलें, F- इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बात को, बात समझने की कोशिश करना, F क्या है, फोर्स, ठीक है ना। देखो फोर्स का फॉर्मूला K, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 और Q1 और Q2 फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। यहाँ पे Q1 Q2 सबकी वैल्यू कितनी, 16 माइक्रो कूलम, तो Q1 Q2 दोनों Q लिख सकते हैं, तो K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर कितना आएगा, ये K की वैल्यू 9×10⁻⁹ इंटू Q स्क्वायर की वैल्यू, Q की वैल्यू कितनी 16 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ इंटू 16 माइक्रो कूलम 10⁻⁶ अपॉन R स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी 0.2 का स्क्वायर, तो ये 0.04 हो जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट हटाओगे ऊपर दो जीरो चली जाएंगी, ठीक है ना। देखो 9 2 11 0 11 9 2 11 प्लस का 11 और ये माइनस के 12, तो कितना बचेगा 9 × 16 × 16 × ये आपका हो जाएगा 12, ये 10⁻⁶ अपॉन में क्या बोला 16 मतलब 4, ये कैंसिल करोगे बोला 4 बचेगा, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद इसको जो है ना क्या करें अपन, इंटू कर लो 16 × 4 = 64 × 9 10⁻⁶। देखो ध्यान से 69 जा कितने होते हैं 40 और ये आपका 36, तो यानी कि 576 न्यूटन। अच्छा इन 10⁻⁶ लगाया तो 57.6 न्यूटन, कितना आंसर आ रहा है मतलब 57.6। ये क्या निकाल दिया आपने, ये यहाँ पे देखो यहाँ पे रख दो, मतलब F- इज इक्वल टू 57.6 न्यूटन, ठीक है। चलिए अब क्या निकालोगे बोला F2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको नोट करना चाहते हो तो प्लीज नोट करो उसको, है ना, फास्ट नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब F2 निकालोगे, F2 कैसे निकालोगे, F2 के लिए देख लो एक बार, ठीक है। F2 निकालने के लिए क्या करोगे बोला, इन दोनों का स्क्वायर करो, इन दोनों का स्क्वायर किसका, मतलब K, लेट्स से F2 लिखो यहाँ पे, F2 इज इक्वल टू K की वैल्यू 9×10⁻⁹ इंटू के Q1 Q2 कितना, मतलब सबकी वैल्यू कितनी 16 माइक्रो कूलम, 16×10⁻⁶ और ये 16×10⁻⁶ और यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितनी, मतलब 0.2 × √2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये आपके पास, इसका स्क्वायर, तो 9 × 10⁻⁹ और यहाँ पे 16 × 16 = 256 × 10⁻¹2 और ये यहाँ पर 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 0.04 × √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2, दैट मीन 0.08 आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 0.08 डायरेक्ट लिख दूँ मैं इसको, तो 0.08 पॉइंट हटाओगे, दो जीरो ऊपर चली जाएंगी, ठीक है ना। इससे कैंसिल करोगे, 32 बचेगा, कितना बच जाएगा 32, तो पिछली बार कितना है 64, है ना। अच्छा देख लो एक बार, नहीं गलत हो जाए, 256 है ना, 8 से कैंसिल करोगे, 8 × 3 = 24, हाँ जी 32 बचेगा। 9 × 10⁻³, 32 का इंटू कर लोगे इससे 9 से, 32 × 9 9 = 18, 9 × 3 = 27, ठीक है, और एक 28, 288 है ना, कितना आ गया 288 इन दोनों का इंटू करने पे, इंटू 10⁻⁹, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका F2 की वैल्यू 28.8 न्यूटन, कितना आ गया 28.8 न्यूटन, ठीक है। चलिए बात क्लियर हो गई इतनी, चलो तो F2 अब देखो रिजल्टेंट क्या बोलोगे, रिजल्टेंट को आपने क्या नाम दे दिया F, सो नाउ रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F- क्या बोलोगे इसको, F- क्या बोलोगे इसको, कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो सेम लाइन में, है ना, तो आपका F इज इक्वल टू 57.6 प्लस 28.8 न्यूटन, ठीक है ना, न्यूटन,
कितना हो जाएगा आपका आंसर, ये 30 यानी कि 87, दैट मीन्स अराउंड 85 आंसर आ जाएगा आपका। एफ इज इक्वल टू जो भी है इसको न्यूटन में लगा के लिख देना। तो क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा आपसे, बन जाएगा ना इस तरह क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन जो है ना और करते हैं, अब उसको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इसी में तो आपका जो है ना स्क्वायर वाला कोई भी क्वेश्चन फिर आपसे पूछा जाएगा, तो आप उसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, और अगर हो सके ना तो वीडियो मत देखना, आराम से जो है वीडियो को जो है ना 2 की स्पीड में डबल स्पीड में प्ले करके आप खुद से सॉल्व करने की उसको कोशिश करना, ठीक है ना। चलो ध्यान दो, क्या करेंगे अपन, मान लो आपके सामने क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल गया कि हाँ जी ऐसे बोलते हैं, ये मिल गया आपको क्वेश्चन और आपको इसको सॉल्व करना है। ये अपने रेक्टेंगल बना दिया, इसको स्क्वायर बनाओ, ठीक है। देखो लेट्स से इन सब की साइड कितनी, बोला 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर हम ऐसा बोलते हैं कि एक लगा है अपने पास यहाँ पे प्लस क्यू, ठीक है ना, एक चार्ज प्लस क्यू रखा है, इसको ऐसा बोलो ये रखा है प्लस टू क्यू, यहाँ रखा है एक माइनस टू क्यू और यहाँ रखा है एक माइनस क्यू, ठीक है। ये ऐसा बोलते हैं, लेट से मान लो कि इस क्यू की वैल्यू कितनी है, 10^-8 कूलाम, कितनी 10^-8 कूलाम। ए की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, 5 सेंटीमीटर। बात को क्लियर हो पा रही है नहीं हो पा रही है ना, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा, 5 × 10^-2, इसका मतलब कितना है, 0.05, ठीक है। हो बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है ना, बोर नहीं हो ना आप, अगर थक जाओ तो फिर अगले दिन देखना, लेकिन जिसको जो है ना कंप्लीट जरूर करना अपन को, ठीक है ना। देखो ए इज इक्वल टू इतना हो गया, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, बोला फिर से आपको सेम काम करना है, लेकिन अब इस बार क्या करें, हाँ जी क्या करना है, इस बार अपन सेंटर पर निकालें, क्या निकालेंगे, सेंटर पर। तो लेट से हमारे पास ये एक चार्ज है ना, इस चार्ज की वैल्यू हमने बोला कितनी, स्मॉल क्यू, ये चार्ज आपका पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि इस स्मॉल क्यू के ऊपर कितना चार्ज लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, ये बातें आपको बतानी है। अच्छा पिछली बार की डायरेक्शन देना चाहोगे तो क्या बोल देना, 45 डिग्री पे है ना। देखो यहाँ पर ये क्यू, देखो ये माइनस क्यू उसको खींचेगा, मतलब खींचेगा, लेकिन रिजल्टेंट कहाँ होगा, ऊपर की साइड। ये माइनस क्यू उसको खींच रहा है लेकिन रिजल्टेंट कहाँ होगा, ऊपर की साइड, है ना। क्यों, क्योंकि प्लस ये माइनस टू क्यू उसको ज़्यादा ताकत के साथ खींचेगा, तो इसका जो फोर्स होगा रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों के फोर्स को हमने नाम दे दिया लेट से F1, ठीक है। इन दोनों का जो फोर्स होगा इस, ये कहाँ जाएगा, ये चला गया मान लो F2, कहाँ जाएगा, अच्छा ऊपर ही जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा और ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, ये बड़ा है तो इसको ज़्यादा रिपेल कर देगा। तो अब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कहाँ जाएगा, मतलब ये बीच में जाएगा। सॉल्व करना है, कैसे करोगे, आपको क्लू देते हैं, हिंट देते हैं और आप इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखो पहली चीज़ हमने क्या बोला, इसको ऐसा नाम देते हैं, ये हो गया आपका एफ ए और इसको नाम देते हैं एफ बी, 1, 2, 3 और ये 4, इन चारों चार्जेस के कारण आप इसको निकालोगे। निकाल पाओगे कैसे, करेंगे देखो क्या करना है इसको। देखो पहले तो क्या बोलोगे, रिजल्टेंट ऑफ एफ वन एंड एफ टू वैक्टर, तो क्या बोलोगे इसको, एफ ए वैक्टर, कितना हो जाएगा ये आपका, कितना हो जाएगा, अच्छा देखो तो आप इसको क्या बोलो, ये ऐसे कर लो, ज़्यादा वाला कौन है, प्लस टू क्यू उसको रिपेल कर रहा है, तो ऐसा बोलो फोर्स ड्यू टू प्लस टू क्यू चार्ज, है ना, और यहाँ पे माइनस फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हो आप इसको, ये लिख दो उसमें वेक्टर, ठीक है। अब देखो एफ टू क्यू, टू क्यू के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, लग के, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो क्यू इंटू टू क्यू, तो ये हो जाएगा टू क्यू स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कितने का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ए बाय रूट टू, ए बाय रूट टू का स्क्वायर करोगे, है ना, माइनस यहाँ पे क्या करोगे, सिमिलरली इन दोनों का प्रोडक्ट, तो के क्यू इंटू क्यू, तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन ए बाय रूट टू, है ना। कितना कर दोगे इसको, एफ ए वैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से सारी चीज़ें कॉमन निकल रही हैं ना, तो आप इसको ऐसा बोलो कि हाँ जी ऐसा कर सकते हो, ये रूट टू का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टू हो जाएगा, के इंटू टू क्यू स्क्वायर अपॉन ऐसा कर लो उसको, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, और ये ऊपर पहुंच जाएगा टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ये यहाँ पे ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है। एफ ए वेक्टर कितना निकल के आ जाएगा, इज इक्वल टू ये यहाँ से टू टू जा फोर, या फिर ऐसा बोलें यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, बोला टू कॉमन आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये कॉमन आ गया, इन टू यहाँ पे क्या बचेगा, टू तो कॉमन ले लिया, अंदर का बचा टू माइनस वन, टू माइनस वन, तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं एफ ए वैक्टर इज इक्वल टू टू माइनस वन क्या होता है, हाँ ये अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी ऐसे बोलो इसको, ये देखो
ये ऐसा है, मतलब ये कितना बोला 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये कितना 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बस ये 2 बचेगा ना, 4 में 2 जाएंगे 2 बचेंगे। एफ ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है ना, क्यू स्क्वायर क्यू कितना हो जाएगा, क्यू की वैल्यू कितनी दी 10⁻⁸, तो 10⁻⁶ कर दो स्क्वायर लगा के। ए स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 0.05 दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर सेंटी कैसे लिखते हो 10⁻²। मीटर तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 10⁻²² का स्क्वायर 10⁻⁴, कैंसिल करोगे 10⁻½ बचा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, और हाँ जी तो एफ ए वैक्टर कितना निकल के आने वाला है आपका, हाँ जी यहाँ से कितना हो जाएगा, एफ ए वैक्टर इज इक्वल टू आपका 9 × 2 = 18, ठीक है, अपॉन में है 25, ठीक है, ये 9 और ये 3 माइनस का 10⁻³ माइनस 3, ठीक है, डिवाइड कर लो इसका कितना हो जाएगा, ये आपका 18 और ये 25, ये पॉइंट लगाया 0 आ गई, तो 25 6 जा 150 होता है ना, 25 7 जा आप कितना 175, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, एफ ए वैक्टर इज इक्वल टू 0.72, कितना 0.72 × 10⁻³ न्यूटन। डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन क्या बोलोगे, डायरेक्शन किस डायरेक्शन लग रहा है, अगर मान लो आपने इसको नाम दे दिया ए, ठीक है, या फिर हम ऐसे बोलते हैं ये क्या है ए बी सी डी, तो डायरेक्शन क्या बोलोगे सी ए वैक्टर, क्या बोलोगे अलोंग सी ए, क्या बोलोगे अलोंग सी ए वैक्टर, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या निकाल दिया एफ ए वैक्टर, क्या निकाला एफ ए वैक्टर। इसी तरह से आप एफ टू वैक्टर एफ बी वैक्टर निकाल दो, क्या निकाल दोगे एफ बी वैक्टर, है ना, एफ बी वैक्टर आप निकाल के देखोगे तो आंसर आपका कितना आएगा, आंसर आपका सेम आएगा इस डायरेक्शन में, तो कितना आ गया 0.72 × 10⁻³ न्यूटन, है ना, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर ये आपकी क्या निकल गई एफ बी वैक्टर, एफ ए वैक्टर आपका कितना, बोला एफ ए वैक्टर भी इतना ही है, तो एफ ए वैक्टर आपने इतना लिख दिया 0.72 × 10⁻³, ठीक है। ये बताओ ये कितना एंगल, वो 90, ये कितना 90, तो ये इन दो, तो आप ऐसा बोल सकते हो ना कि एफ ए और एफ बी के बीच में एंगल कितना 90, तो आप निकालोगे यहाँ से ये रिजल्टेंट फोर्स एफ, कैसे निकालोगे इसी तरह से निकालोगे, एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2FAFB cos 90, है ना, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, आंसर कितना आ जाएगा आप जानते हो, FA और FB की वैल्यू कितनी प्लस सेम है, आपने इसको नाम दे दिया कि कितना है, चलो इसको नाम दे दो F डैश, FA और FB की वैल्यू सेम, तो क्या लिखोगे ये आपका F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, ठीक है ना, तो F डैश इज इक्वल टू 2F स्क्वायर, क्या लिख पाओगे 2F स्क्वायर, तो F डैश इज इक्वल टू रूट के अंदर है तो F इंटू रूट 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अच्छा देखो f की वैल्यू कितनी, देखो f की वैल्यू कितनी 0.72 इंटू रूट 2 इंटू 10⁻³, 10⁻³, बात समझ गए आप, चलिए तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है ना। तो देखो क्या करोगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे चाहो तो f डैश इज इक्वल टू ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अब आपके पास स्क्वायर को लेकर के किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो कर पाओगे ना, कर पाओगे ना, चलिए तो बोलो एक बार गुरुदेव भगवान की जय, ठीक है ना। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, क्या करना है अपन को, ये आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ट्रायंगल को लेकर के, दो क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे, तीन क्वेश्चन में आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर सुपरपोजिशन थ्योरम से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ पाओगे, है ना, बात क्लियर है ना, चलो इसको हटाते हैं। हाँ, देखो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है इन लेक्चर्स को देखते समय, कि जैसे आप कोचिंग में पढ़ते हो ना वैसे एक एक घंटे की क्लास यहाँ पे भी लोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्यों, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि सारे न्यूमेरिकल्स आपके जितने भी कराए जा रहे हैं वो आप कॉन्सेप्ट को बहुत बिल्डअप करेंगे, है ना, और साथ साथ में आप करते चले जाओगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करते चले जाओगे, तो आपकी जो एक्टिविटीज़ जिस तरह जितनी ज़्यादा आप एक्टिविटीज़ करोगे सब्जेक्ट को लेकर के उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, है ना, समझ पा रहे हो बात को, बहुत आसान वाली फीलिंग हो क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वास्ट है आपका, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपने जो स्टार्टिंग की एक यूनिट पकड़ ली ना तो समझ लो कि सारी लास्ट तक की 10 यूनिट आपकी एकदम फ्लो फ्लो में सारी चली जाएंगी, समझ पा रहे हो ना, और बहुत मजा आएगा, ठीक है। आप देखो ट्रायंगल के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे और आपको इसको सॉल्व करके जो है ना ग्रुप पे पोस्ट करना है,
ठीक है, देखो लेट्स आपके सामने ये एक ट्रायंगल बना दिया और बोला कि भाई ये जो है ना इसके वर्टाइसिस पे तीन चार्ज रखे हुए क्यू क्यू है ना, और तीनों पॉजिटिव है। ठीक है, पूछ रहा है कि इसके सेंट्रॉइड पर अगर हमने कोई चार्ज रखा हुआ है ना, इसके सेंट्रॉइड पर अगर हमने कोई चार्ज रखा हुआ है इस तरह से कैसा बोलो प्लस क्यू, तो उस पर जो है ना कितना फोर्स लगेगा। तो सिंपल सी बात है, हमने बोला कि इसे कितना बोला क्यू, ठीक है ये क्यू चार्ज रखा हुआ पॉजिटिव। अब देखो लेट्स हमने नाम दे दिया तीनों को, ये हो गया एफ वन, ये हो गया ये क्यू टू और ये हो गया क्यू थ्री। ठीक है, लेट्स से ये क्यू टू इसको रिपेल करेगा, ये हो गया एफ टू, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये हो गया आपका एफ थ्री, और देखो ये इसको रिपेल करेगा तो ये हो गया आपका एफ क्या है एफ वन वैक्टर, ये वैक्टर ये वैक्टर ये वैक्टर। अब बताओ इन तीनों के बीच में एंगल कैसे, तो क्या बोलोगे, ये इसके बीच में एंगल होता है 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री सॉरी 120 डिग्री है ना 120 डिग्री। तो क्या बोलोगे यहां से, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये देखो इस तरह से लगा हुआ है एफ टू एफ थ्री एफ वन है ना, डायरेक्ट भी हो जाएगा लेकिन डायरेक्ट चलो वे को बता देते हैं ना, ये देखो एफ वन क्या करोगे बोले इनके बीच में एंगल 120, इसका रिजल्टेंट निकालोगे कितना जाएगा, एफ टू एफ थ्री का रिजल्टेंट नाम दे दो एफ डैश, ठीक है निकल जाएगा। इसके बाद क्या करोगे बोला एफ डैश ऊपर की साइड निकल जाएगा और एफ वन का नीचे की साइड, तो बस क्या करना है आपको एफ डैश और एफ वन को ऐड कर दोगे तो उस पर नेट फोर्स आ जाएगा, और नेट फोर्स की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे कितनी आएगी जीरो, तो बहुत अच्छी बात है ये तो, ठीक है ना। अच्छा एक ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, एक तरीका दूसरा होता है ना कि देखो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, लेट से ये चार्ज रखा है जीरो, इसको नाम दे दो क्यू जीरो, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है क्यू जीरो, तो एफ जीरो वैक्टर इज इक्वल टू कैसे निकालते हो एफ वन वैक्टर प्लस एफ टू वैक्टर प्लस एफ थ्री वैक्टर। अच्छा इसका जो सॉल्यूशन करके आप ग्रुप पे पोस्ट करोगे, ठीक है ना, ये F0 वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर F2 वेक्टर F3 होते हैं, तीनों की डिस्टेंस सेम और कितनी L बाय, अच्छा ये इक्विलेटरल एंगल है L हो गया, ठीक है ना, और ये इनकी डिस्टेंस कितनी हो गई, इनकी डिस्टेंस हो गई आपकी L बाय रूट थ्री, कितनी हो जाएगी L बाय रूट थ्री, तो आपने कितना ले लिया बोला K Q स्क्वायर अपॉन L बाय रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है ना। चलो प्लस प्लस में क्या लोगे, अब देखो ये सारी चीजें सेम होने वाली है, ये भी सेम सारी चीजें सेम, ठीक है ना। देखो लेकिन इसके पहले जरूरी बात क्या है, जरूरी बात ये है कि जो भी फोर्स लग रहा है ऐसे करो, जो भी फोर्स लग रहा है F1 वेक्टर क्या लिखोगे बोला F नॉट इसको वेक्टर इज इक्वल टू, आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे कर लिया, ठीक है। ये वाला फोर्स देखो लेट से ये क्या है बोला ओ, ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी, ठीक है। ये वाला फोर्स देखो ए ओ किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पे नीचे लग रहा है नीचे की साइड, क्या बोलोगे इसको पहला वाला ए ओ कैप प्लस, इसी तरह से दूसरे वाले में भी लिखो के क्यू वन है ना, इस तरह से देखो ये क्या है क्यू वन क्यू नॉट था तो क्यू वन क्यू नॉट कर लो इसको, इसी तरह से आप इसमें देखोगे कौन से वाले में तो क्यू नॉट क्यू टू कर लो इसको अपॉन आर स्क्वायर इंटू बी ओ कैप प्लस, इसी तरह से इसमें लिखोगे और क्या लिखोगे सी ओ कैप, क्योंकि डायरेक्शन क्या है मतलब बी O कैप इस डायरेक्शन में, C O कैप इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब देखो सारी चीजें इसमें से जो है ना आप जानते हो कि सारे सारे इसका मैग्नीट्यूड कितना है बोला Q, तो K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी L बाय रूट थ्री है ना। इसके बाद देखो क्या बच रहा है A O कैप प्लस B O कैप प्लस C O कैप, आप इस तरह से लिख सकते हो इसको, ठीक है। इस चीज को याद रखना कि यदि ऐसी कंडीशन बन जाए ये साइक्लिक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है साइक्लिक ट्रायंगल फॉर्म, देखो आप इसको बोलोगे ये साइक्लिक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इस तरह से है ना, फ्री वेक्टर्स के उससे ये देखो एक वेक्टर नीचे जा रहा है, ठीक है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये बना दिया, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपने ये बना दिया, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया साइक्लिक ट्रायंगल, वेक्टर साइक्लिक ट्रायंगल, क्या बोलोगे वेक्टर साइक्लिक ट्रायंगल, और वेक्टर साइक्लिक ट्रायंगल में याद रखना जो पूरा वो है वो कितना हो जाएगा, वेक्टर साइक्लिक ट्रायंगल का जो सम होता है जो रिजल्टेंट होता है वो कितना होता है जीरो होता है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसका जीरो का इंटरसेक्ट इनटू हो जाएगा तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो, बात क्लियर है आपको या नहीं है, नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो। तो बस आप इसको दूसरे मेथड से आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आपको देते हैं है ना, उसको करोगे तो आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, नोट करना तो नोट कर सकते हो आप इसको, ठीक है ना, और जो भी डाउट हो उसको जरूर पूछ लेना, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, प्रॉब्लम हो रही है क्या है ना, प्रॉब्लम हो रही है क्या, भगवान को याद करो बोला सब सब बढ़िया होगा, टेंशन मत लो है ना, अभी तो स्टार्टिंग है।
ये आपके सामने एक क्वेश्चन आपको मिला और क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ये यहाँ पर एक क्यू रखा है बोले जो कि है माइनस क्यू, ठीक है चार्ज रखा है माइनस क्यू, ठीक है इसको बीच में रखो सुंदर लगेगा, ये माइनस क्यू, ये क्या बोला ये प्लस क्यू, ये क्या बोला ये प्लस क्यू, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि एक काम करो कि ईच चार्ज पर फोर्स पता करो, कितना फोर्स ऑन ईच चार्ज, क्या लिखो यहाँ पे लिखो फोर्स ऑन ईच चार्ज, तो आपको हर चार्ज पे देखना है मतलब कितना कितना फोर्स लग रहा है बड़े ध्यान से, ठीक है। तो माइनस क्यू को देखो, लेट से आपने इसको नाम दे दिया, ये क्या है बोला ये हो गया आपका चार्ज, ये हो गया वन क्यू वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ठीक है ना, बोला ये फर्स्ट पॉइंट पर रखा है ये सेकेंड और ये थर्ड, ऐसा ऐसा नाम दे दो बोला क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री, ठीक है क्लियर है ना, थक तो नहीं जाओगे, क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री। देखो इसके बाद क्या करना बोला, देखो ये इसको अट्रैक्ट करना है, अच्छा एक चीज़ और याद रखना, मान लो आपके सामने ये दो फोर्सेस हैं, दो चार्जेस हैं, ये दो चार्जेस, ठीक है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, तो जितना फोर्स ये लगा रहा है इसके ऊपर उतना ही फोर्स एक दूसरे पर लगाएगा, कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, क्या करना पड़ेगा मतलब कूलम फोर्स क्या है, मतलब कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, एक चार्ज ने दूसरे चार्ज में इतना फोर्स लगा, दूसरा चार्ज भी उतना ही फोर्स उसके ऊपर लगाएगा, तो ऐसा बोले ना कि अगर ये चार्ज ये Q2 इस Q1 के ऊपर अगर फोर्स लगा रहा है F, तो ये Q2 ये Q1 इस Q2 के ऊपर भी फोर्स कितना लगाएगा बोला F, ठीक है। यहां पे देखो यहां पे ये भी कितना, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड हमने कितना बोला, सबका मैग्नीट्यूड है Q, तो ये फोर्स भी कितना होगा F, अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा इसको, ठीक है ना, देखो अच्छा ऐसे बोलते हैं इस Q1 को देखो, Q1 को कौन खींच रहा है, ये देखो ये खींच रहा है F लिखती है, ठीक है ना, इस Q1 को कौन खींच रहा है, नीचे वाला Q3 खींच रहा है, ये लिखती है F इसको। अब देखो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स, इस Q2 को ऊपर वाला खींच रहा है, बोलो खींच रहा है, ऊपर वाला सबको खींच रहा है, ऊपर वाला तो सबको खींच रहा है ना, यहाँ पे देखो Q2, Q2 को कौन पुश कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, तो हमने इसको नाम दे दिया F, ये देखो अच्छा सबको हम F1 F2 F3 नाम नहीं दे रहे, बोला नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि देखो डिस्टेंस सबकी बराबर है ना, मैग्नीट्यूड सबका बराबर है ना, तो सबके बीच में फोर्स कैसा लगेगा बराबर, इसलिए हमने जो है ना इसको F करके लिख दिया, ठीक है ना, देखो ठीक रिजल्टेंट सबका अलग अलग आएगा, क्योंकि जो है ना रिजल्टेंट में एंगल अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको क्या लिखा आपने F, ये इसको खींच रहा है Q1, इसको खींच रहा है ऊपर की साइड, तो क्या लिखोगे इसको भी F लिख दिया। अब एंगल देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल अंदर एंगल कितना 60, बाहर एंगल कितना बोला, देखो अंदर कितना 60, तो ये कितना बचा 120, तो एंगल कितना हो गया 120। इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, एक फोर्स नीचे खींच रहा है, एक ऐसे खींच रहा है, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा बीचों बीच, तो ये इसका बीचों बीच एंगल आ गया और इसके रिजल्टेंट को हम नाम दिया F1। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इस पर जाएगा, तो ये हो गया F2 वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो उसको नाम दे दिया आपने F3 वेक्टर। रिजल्टेंट निकालोगे सबका, देखो ऊपर वाले का F1 वेक्टर का रिजल्ट, F1 कितना आएगा रिजल्टेंट, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F1 F2 2F1 F2 cos 60, cos 60 की वैल्यू 1 बाय 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा F1 F2 की वैल्यू क्या पुट करोगे FF, तो देखो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोला 3F स्क्वायर इज इक्वल टू, F1 का आंसर कितना आ गया रूट थ्री, रूट थ्री एफ, क्या बोलोगे रूट थ्री एफ। डायरेक्शन देनी है तो क्या बोल दोगे, डायरेक्शन में आप इसको नाम दे दो, लेट से ये सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, तो आप इसको नाम दे सकते हो बोला ए टू ओ, क्या बोल दोगे आप इसको बोल सकते हो अलोंग, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या बोलोगे अलोंग ए ओ वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा देखो इसी तरह से निकाल दोगे किसका, इन दोनों का निकाल दो बोला एफ टू, एफ टू कैसे निकालोगे, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बोला ये कितना, देखो F2 कैसे निकालोगे, F2 में निकाल देना F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस एंगल कितना बोला ये देखो एंगल 120 डिग्री, तो 120 डिग्री की वैल्यू cos 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 2, तो ये माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2, और ये आपका F स्क्वायर 1 बाय 2, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, तो F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसिल, तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई, F2 की वैल्यू आ गई आपकी F, हाँ जी F स्क्वायर, तो F2 की वैल्यू आ गई आपकी क्या लिखोगे यहाँ पे, हाँ जी F2 की वैल्यू आ गई आपकी F, ठीक है। अब ये F2 की वैल्यू F आ गई, आप डायरेक्शन देना चाहते हो तो कैसे दोगे, डायरेक्शन दे दो आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ से ये कितना 60 और ये 60, तो आप क्या बोल दोगे 120 डिग्री, 120 डिग्री कैसे दोगे इसको, ये हो गया A B C, तो क्या बोल दोगे अलोंग, आप ऐसे डायरेक्शन देना चाहते हो ना, तो डायरेक्शन आप ऐसे दे सकते हो अलोंग, आप ऐसे बोल दो 120 डिग्री, 120 डिग्री फ्रॉम या 120 डिग्री विद
बी सी, कौन सी लाइन है ये, बी सी, तो आपने इसको एग्जैक्ट डायरेक्शन दे दी, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर दोगे, एक क्वेश्चन घर के लिए देंगे, चलो डायरेक्ट करा देते हैं इसको, और आप इसको जो है ना, अच्छा जितना F2 पे होगा उतना ही F3 पे होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, है ना। इसको करते हैं अपन, ये 2 माइक्रो कूलम और ये आपके पास ये 2 माइक्रो कूलम, ठीक है। इसके बाद ये देखो यहाँ पर, ये हमने मान लिया कि ये सेंटर है इसका और ये डिस्टेंस है 3 मीटर, ये डिस्टेंस है 3 मीटर, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है ना, इस पॉइंट पे हमने बोला कितना, बोला 3 माइक्रो कूलम का, ये 2 माइक्रो कूलम इस 3 माइक्रो, आपको निकालना है कि 3 माइक्रो कूलम के कारण, 3 माइक्रो कूलम पर इन दोनों के कारण कितना फोर्स लगेगा। तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा है ना, और ये इस डायरेक्शन में लगेगा है ना। देखो दोनों बातें आप सुनना पहले ध्यान से, कि ये जो 2 माइक्रो कूलम और 3 माइक्रो कूलम है ना, इस पर कोई फोर्स लगेगा एफ। अब 2 माइक्रो कूलम 3 माइक्रो कूलम इस पर भी फोर्स कितना लगेगा, एफ। बोला क्यों, क्योंकि डिस्टेंस भी दोनों के सेम है और मैग्नीट्यूड भी दोनों के सेम, ये 3 मीटर और ये 4 मीटर, ठीक है। बाय पीजीटी से ये अपना आंसर कितना आ जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस कितनी आएगी, 5 मीटर, ठीक है ना। चलो कैसे निकालेंगे, अब देखो लेट से हमने अगर मान लिया ये एंगल थीटा, तो फिर ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा, ये एंगल कितना थीटा, ये एंगल थीटा, सॉरी गलत बोल दिया ना, अगर ये एंगल थीटा तो फिर ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल थीटा तो फिर ये वाला एंगल थीटा, समझ रहे हो। अच्छा देखो आप क्या करोगे, बोला इस फोर्स को रिजॉल्व करोगे, ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, और इस फोर्स के कारण एक कंपोनेंट ऊपर, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से आप इसको रिजॉल्व करोगे, इसके कारण एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा नीचे वाले कारण, और एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा, हमें थीटा नहीं पता, वह इतना पता है कि ये फोर्स दोनों का सेम है और एंगल भी दोनों का सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। एफ कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में, तो क्या बोलोगे, नेट फोर्स, आप इसको एफ डैश नाम दे सकते हो, 2f cos थीटा, 2 f की वैल्यू q1 q2, तो 2 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो की जगह 10^-6 इंटू q1 2 इंटू, अच्छा क्या बोल दिया हमने, देखो 2 इंटू k की वैल्यू 9×10^9 इंटू q1 q2, तो q की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम 10^-6, इसके बाद q1 q2 3 माइक्रो कूलम 3×10^-6 अपॉन r स्क्वायर का मतलब 5 मीटर का स्क्वायर, तो 25, ठीक है, इंटू cos थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है, बेस ये रहा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 4/5, इसको सॉल्व करके आप आंसर निकालोगे, वही आंसर होगा, और आंसर का क्या करना है जानते हो, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप सुपरपोजिशन थ्योरम के सभी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो, बात समझ में आ रही है ना। तो एक बार बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय, ठीक है ना। ध्यान रखो कि सारे काम जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे वैसे करते चले जाओगे, तो बहुत बढ़िया सारी चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बस इतना ही करना है आपको, कि एक तो हमारे मिशन को सक्सेसफुल बनाने में आप हेल्प करोगे। कैसी हेल्प करोगे, मिशन क्या है, कि जिस किसी स्टूडेंट को यदि 12th फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट यदि मेहनत करने को तैयार है ना, तो उसको सारी चीज़ समझ में आनी चाहिए, किसी कारण से पीछे कोई भी स्टूडेंट नहीं रहना चाहिए, ये बात जान के रखो आप। दूसरी बात कि आपको यदि यहाँ से फ़ायदा हो रहा है ना, तो अपने स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं ना उनको बताओ, है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप WhatsApp पे शेयर कर दो, आप Facebook पे शेयर कर दो, आप YouTube पे शेयर कर दो, नहीं, आप क्या कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स को अपने मुंह से तो बता सकते हो ना, जो आपके साथ डेली मिल रहा है, कम से कम आप उसको तो बता सकते हो कि यदि प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पर जाकर के इस तरह से ग्रुप वगैरह से ऐड हो जाओ, तो आपको इस तरह से हेल्प होगी, ठीक है ना। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, सभी वीडियोज़ को रेगुलरली देखो और आपकी पूरी तरह से बढ़िया तरीके से हेल्प होगी, और बस इतना ही कहूँगा। कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो रही है या नहीं हो रही है ना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।